गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं प्रकाश चंद्र परियार डीपीएस खिजिला परिवार की ओर से आपकी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपको क्लास 8 की जो मैथ्स की बुक है वो आज पढ़ाने जा रहा हूं। ये जो मैथ्स की बुक है क्लास 8 की, जिसमें से सबसे पहले जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो अपना है रेशनल नंबर है, उससे अपन आज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो बच्चे हैं अपनी क्लास 8 की, जो मैथ्स का एक रजिस्टर अच्छे से बड़ा थोड़ा मोटा होना चाहिए, क्योंकि ये बुक भी काफी बड़ी और है, इसीलिए कम से कम एक अच्छा सा रजिस्टर डालना है, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करना है, जिसमें क्वेश्चन अपन ब्लैक पेन से लिखेंगे क्वेश्चन को, और जो उसका आंसर है ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन समझेंगे रेशनल नंबर क्या होता है। व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर, तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज अ रेशनल नंबर? रेशनल नंबर आर नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड, अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पी अपॉन क्यू, वेर पी एंड क्यू, वेर पी एंड क्यू आर integer, जहां पे जो p और q होंगे वो integer होंगे, and one more condition, q is not equals to zero, that is called रेशनल नंबर। तो सबसे पहले रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है। रेशनल नंबर अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पी अपॉन क्यू, एक ऐसा नंबर जो बटे में लिखा जाता हो, और p का मतलब न्यूमिनेटर और q का मतलब डिनोमिनेटर होता है, यानी एक बटे में ऐसी संख्या लिख दें, और जहां पे वेयर p एंड q आर इंटीजर। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने इंटीजर के बारे में पढ़ा था, इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो जहां पे ये दोनों नंबर होंगे जो एक बटे में लिखा जाएगा, वो कैसे होंगे, इंटीजर में होंगे। इंटीजर का मतलब होता है वो प्लस की संख्या भी हो सकती है और माइनस की संख्या भी हो सकती है, पहली कंडीशन ये। फिर सेकेंड कंडीशन है q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q का मतलब जो नीचे वाली संख्या है वो कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, अगर जीरो है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, अदरवाइज सारे रेशनल नंबर है। जैसे मैं मानू, अब और रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, जितने भी जो नेचुरल नंबर है वो सारे रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि ये 1, 2, 3 .. यानी ये रेशनल नंबर है। कैसे रेशनल नंबर है, 1, 2, 3 नेचुरल नंबर जितने भी है, नेचुरल नंबर हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, और नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर भी क्या होते हैं, एक रेशनल नंबर होते हैं। वो कैसे होते हैं, क्योंकि हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि रेशनल नंबर हमेशा p बटा q में लिखा जाता है और q जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो हमारे पास में पहला नंबर क्या था, 1 है, तो 1 और q कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, और इस वैल्यू पे तो मैं क्या लगा दूंगा, 1, यानी 1 लगाने से, 1 ही क्यों लगाया, कुछ और भी लगा सकते थे, 2, 3, 4, 5, पर उससे क्या वैल्यू चेंज हो जाती, पर मैंने 1 लिखा, 1 लगाने से इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए अब देखते हैं p और q दोनों हो गए, p बटा q आ गया और q भी जीरो नहीं है, q
क्यू जीरो नहीं है ना, तो अब ये रेशनल नंबर बन गया। और अभी ये वन का वन ही है, इसकी मैंने यहां से वन उठाया था और वन को वन अपॉन वन में लिखा, तो इसका आंसर वापस क्या आएगा, वन ही आया। तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा और ये कंडीशन भी कंप्लीट कर रहा है और क्यू भी जीरो नहीं है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। फिर टू भी क्या है, टू भी रेशनल नंबर है क्योंकि टू को भी पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं ना। टू को कैसे लिख सकते हैं, टू अपॉन वन, थ्री अपॉन वन, तो वापस वन की टेबल में टू, टू टाइम्स टू आंसर। तो ये भी एक रेशनल, टू के वन, वन की टेबल में वन वन जा वन, वन टू जा टू। वन की टेबल का मतलब होता है वन से टेन तक काउंटिंग, इसका मतलब वन की टेबल में टू टू टाइम्स आता है तो वापस टू ही आया, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि इसको अपन पी बटा क्यू में लिख सकते हैं और क्यू जीरो नहीं है, हमें दो ही कंडीशन याद में रखनी है। ऐसे संख्या जो बटे में लिख सकते हैं, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और क्यू क्या होना चाहिए, नीचे वाली संख्या कभी नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, ऊपर जीरो आ सकता है। अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, इसको पोज करके पूरा राइट डाउन कर ले अपनी नोटबुक में। अब इसके आगे देखते हैं, अब हमें पता चला है कि नेचुरल नंबर भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। अब हम देखते हैं क्या हॉल, इसके नंबर इसके बाद आता है हॉल नंबर, क्या हॉल नंबर भी रेशनल नंबर होता है क्या? हॉल, हॉल नंबर, हॉल नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर, जीरो वन टू थ्री डॉट डॉट डॉट। तो क्या ये भी नंबर है, क्या रेशनल नंबर है? तो हाँ, हॉल नंबर भी क्या होता है, सारे हॉल नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अब ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए इसको हॉल नंबर बोलते हैं। तो ये भी एक क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसको भी अपन बटे में लिख सकते हैं। जैसे मैं जीरो बटा जीरो पहला नंबर लिया जीरो, अब जीरो के नीचे हमें क्या लगाना था, वन, ये बन गई, बन गए ना पी बटा क्यू, पी बटा क्यू में लिखा गया है। अब पी बटा क्यू फॉर्म में लिख लिया मैंने, पी हमारे पास में क्या था जीरो और वन की टेबल में जीरो, जीरो टाइम में आता है, वापस इसका आंसर क्या होगा, जीरो, वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ा। और क्यू मैंने क्या बोला था, जो रेशनल नंबर की कंडीशन क्या थी, ऊपर जीरो आ सकता है नीचे जीरो नहीं आएगा, जैसे नीचे जीरो आ गया वो रेशनल नंबर नहीं होगा, ऊपर जीरो आ सकता है। तो फिर है वन अपॉन वन, टू अपॉन वन, इसका मतलब हॉल नंबर भी क्या है, सारे रेशनल नंबर है। इसके बाद में आता है इंटीजर, अब हमने पढ़ा था इंटीजर क्या होते हैं, जीरो, हॉल नंबर तो आता ही आता है इसमें, माइनस वन, माइनस टू और माइनस थ्री, तो ये भी सारे जो माइनस प्लस की संख्या आती है इसमें, इंटीजर में क्या होती है, प्लस की संख्या भी आती है, माइनस की संख्या भी आती है और जीरो भी आता है, इंटीजर में सब आ जाता है वापस, नेचुरल नंबर भी आ गया, हॉल नंबर भी आ गया, सब मिक्स हो गया इसमें, इंटीजर में सारे नंबर आ जाते हैं। तो अब क्या करना है, तो अब हमें देखना है भाई ये हमारे पास में पी बटा क्यू, हाँ, तो माइनस थ्री क्या है, माइनस थ्री भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि माइनस थ्री को भी नीचे बटे में एक लगा के इसको भी एक पी बटा क्यू में लिख सकते हैं। तो ये भी एक, माइनस टू भी क्या है, माइनस टू भी एक रेशनल नंबर है, इसको भी माइनस, माइनस टू अपॉन वन लिख सकते हैं, माइनस वन अपॉन वन लिख सकते हैं, जीरो अपॉन वन लिख सकते हैं, वन अपॉन वन लिख सकते हैं, तो ये सारे रेशनल नंबर है। तो अब हमने पढ़े थे नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर है, हॉल नंबर भी रेशनल नंबर है और इंटीजर भी रेशनल नंबर है। अब इसको आप राइट डाउन कर ले, अब ये तो था कंसेप्ट आज रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर होता क्या है, कौन सा नंबर होता है। अब जैसे मैं आपको पूछ लूं माइनस फाइव क्या है, तो माइनस फाइव भी एक रेशनल नंबर है, क्यों, कैसे है, क्योंकि आप माइनस फाइव को बटा लगा के उसके नीचे वन लिख सकते हैं, तो वन लगाओगे तो भी वो वापस माइनस फाइव ही होगा और नीचे उसको न्यूमिनेटर बटा डिनोमिनेटर भी आ गया, इसका मतलब वो रेशनल नंबर हो गया।
तो आज अपना जो कंसेप्ट है, नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर होता है, हॉल नंबर भी और इंटीजर भी। इससे आगे आज अपन पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है जो ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है जितने भी यानी बटे वाली संख्या है उनको अपन नंबर लाइन पे कैसे ऐड करते हैं, यानी हमारे जो कोर्स में है सबसे पहला नंबर लाइन पे एक नंबर लाइन होती है जिसपे नंबर लिखे हुए होते हैं उस पे कैसे ऐड करते हैं वो देखते हैं अपन। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के लेवल से, आपके बोर्ड के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो नंबर लाइन पे ये हमेशा बोर्ड के पेपर्स में ये नंबर लाइन वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है और बनता भी है क्वेश्चन। ये जो है पहला क्वेश्चन है, विमला एडेड टू रेशनल नंबर। विमला ने क्या किए, दो ऐड किए, 5/3 एंड -7/3। ये हमें ऐड करना है, यानी ये हमें कैसे करना है, इसको 5/3 में प्लस करना है माइनस का 7/3। अब कैसे ऐड करेंगे इसको, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अब देखो नंबर लाइन पे कौन से ऐड होंगे, जिनके डिनोमिनेटर बराबर होंगे। पहली कंडीशन है हर रेशनल नंबर नंबर लाइन पे ऐड नहीं होगा, वही रेशनल नंबर ऐड होगा जिसके डिनोमिनेटर क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो अब अपन करते हैं, सबसे पहले नंबर लाइन कैसे बनती है, 0 फिर 1 वन, यहां पे पॉजिटिव होंगे और इस तरफ नेगेटिव वैल्यू होगी, -1, -2, -3 एंड -4। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारी नंबर लाइन है। अब जो डिनोमिनेटर है 3, वो सभी डिनोमिनेटर जो इससे नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है वो सभी इन सब के नीचे भी होना चाहिए। तो लिख लिया हमने 3, इसके नीचे भी 3, इसके नीचे भी 3, 3 और 3, 1/3 हो जाएगा, 2/3, 3/3, 4/3 और 5/3। अब हमें सबसे पहले हम किस में प्लस कर रहे हैं, 5/3 में प्लस कर रहे हैं, यानी हम कहां पे हैं, यहां पे 5/3, यहां पे एरो बनाना है, यहाँ पे जहां हमारे पास में जो नंबर है 5/3 यहाँ पे एक एरो बना लिया। अब हमें प्लस करना है 7 स्टेप्स, कितने स्टेप जाना है, 7 स्टेप जाना है। अगर यहाँ वाला नंबर माइनस में है तो हम इस तरफ जाएंगे, माइनस के जो जिस तरफ माइनस के नंबर है उस तरफ मूव करेंगे, अगर यहाँ प्लस का होता तो अपन प्लस के नंबर की तरफ मूव करते। तो अभी हमारे पास में कैसा नंबर है, एक माइनस का नंबर है, -7 है, इसीलिए कितने स्टेप जाएंगे, 7 स्टेप, और वो भी किस तरफ, माइनस की तरफ। तो 7 स्टेप देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी अब हमारा आंसर क्या आया, इसका आंसर क्या आया, -2/3। अब ये क्या आया इसका, ये डायरेक्ट नंबर लाइन पे क्या हो गया, एड होके इसका डायरेक्ट आंसर -2/3 इसका आंसर। तो इसको आप उतार ले, अब इसी पैटर्न पे आज आपको होमवर्क में इसी पैटर्न पे नंबर लाइन पे ऐड करने के लिए एक और क्वेश्चन देता हूं मैं। नंबर लाइन पे ऐड होने वाले दो रेशनल नंबर में हमेशा डिनोमिनेटर क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो दो रेशनल नंबर हैं इन दोनों को ऐड करना है,
इन दोनों को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? ऐड करने के लिए पहली कंडीशन थी डिनोमिनेटर बराबर बराबर है। अब हम क्या बनाएंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे जिसमें उस तरफ तो प्लस की संख्या होगी, इस तरफ माइनस की संख्या होगी और जीरो होगा। और हम पहला सबसे पहले कहां पे एक एरो स्टैंडिंग एरो बनाएंगे जहां माइनस का फोर है, जहां माइनस का फोर है और बाकी सबके नीचे सिक्स सिक्स लगा देंगे। और माइनस फोर के आगे हमें कितने स्टेप जाना है, दो स्टेप जाना है। और दो स्टेप कैसे, ये प्लस की संख्या है इसलिए प्लस की तरफ जाएंगे, अगर माइनस की होती तो माइनस की तरफ जाते हैं। इस प्रकार जो ये है आपका जो नंबर लाइन पे इसको ऐड करने वाला क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा नंबर लाइन पे ही ऐड का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको ऐड करना है। ये आज आपका होमवर्क है, तो अच्छी तरह से के अपनी नोटबुक में इसको बहुत ही सुंदर राइटिंग से, और जो नंबर लाइन बनाओ आप वो पेंसिल से बनानी है और स्ट्रेट लाइन के हिसाब से पेंसिल से सारे मार्क्स करने हैं और ये आपको अच्छी तरीके से काम करना है। आज की वीडियो इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त होती है, नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन अपन लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।